कि माई जल्दी से नई हर बोला ले मोर दय भी बाचाबा। अरे ओढ़ी के अचारा जवानी करे कचराई कचाबा। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा कि मैं एक गाना गुनगुना रहा था। आखिरकार ये गाना मैं क्यों गुनगुना रहा था, इसके पीछे की वजह क्या है और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा एकदम ब्लॉकबस्टर इतिहास रच दिया है, उसी गाने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बात करें तो 2018 के लगभग करीब में एक गाना आया हुआ था खेसारी लाल यादव का और उस गाने का नाम था मरद अभी बाचाबा, जो कि सोशल मीडिया से लेकर स्टेज प्रोग्राम से लेकर हर जगह पर इस गाने की चर्चा हो रही थी और इस गाने को लेकर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे गाने जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा से लेकर द्वार पूजा से लेकर हर जगह जो है ये गाना बजता नजर आया, क्योंकि ये गाना जो है रियल लाइफ पर लोगों के आधारित है और इस गाने के इतना ज़्यादा समर्थक मिल गए, इतना ज़्यादा प्यार देने वाले मिल गए, जिसको लेकर इस गाने की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। बात करें तो 2 साल बाद ये गाना एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है और वो इतिहास क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, दरअसल ये गाना कोई फिल्म का है और उस फिल्म का गाना जो है वो यसी फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। यसी फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज इस गाने को मरद अभी बाचा जो है उस गाने पर आज यानी कि 20 तारीख को उस गाने पर 200 मिलियन यानी कि 20 है आज और 200 मिलियन जो है उस पर व्यूज पहुंच गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह गाना कितना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए साबित हुआ है। बात करें तो खेसारी लाल यादव और इसमें आम्रपाली दुबे नजर आई थी, तो ये जोड़ी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास रच दिया है कि इस गाने पर फाइनली 200 मिलियन जो है वो व्यूज आ चुके हैं। बात करें तो खेसारी लाल यादव ने ही इस गाने को गुनगुनाया है। वहीं बात करें तो लिरिक्स जो हैं उनके मशहूर राइटर और उनके काफी करीबी पवन पांडे जो हैं इस गाने को लिखे हुए हैं। वहीं म्यूजिक की बात करें तो मधुकर आनंद जो हैं इसके म्यूजिक कंपोजर हैं और यस फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 200 से मिलियन ज्यादा क्रॉस करने के बाद ये भोजपुरी के एक बड़े इतिहास के रूप में शामिल हो गया है। बात करें तो इस गाने पर 3,75,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, तो वहीं कमेंट्स की बात करें तो 22,000 से ज्यादा जो है इस पर कमेंट भी आ चुके हैं, जिसके बाद से लगातार इस गाने को एक बार फिर से सुना जा रहा है और ये गाना लगातार जो है फिर से वायरल होने लगा है। तो आपने इस गाने को सुना है, आपने इस गाने के इतिहास के बारे में जाना और आपने इस गाने के रिकॉर्ड के बारे में जाना, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि खेसारी का यह नया मुकाम आप सभी को कैसा लगा। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।